हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। हाल ही में इसका नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, एमटीएस पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। टोटल 156 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी देख सकते हैं 70,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको जो है सैलरी मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी पोस्ट है सारे फ्रेशर के लिए है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, 18 से 40 साल तक इसमें एज लिमिट दिया गया है और एग्जाम आईपीएस लेने वाला है इसका। तो कौन सा बैंक है, क्या है, पूरा डिटेल बताऊँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियो स्क्रीन शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसके तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो की एक शेड्यूल बैंक है, गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, सो इसमें देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप त्रिपुरा स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करूं, 28 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं, 28 नवंबर 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी एग्जाम डेट आपको बाद में पता चल जाएगी, इंटरव्यू की डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। इसमें एक ही एग्जाम होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है बस। सो आप देख सकते हैं टोटल 156 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर 50, क्लर्क का 78 और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 28 वैकेंसी इसमें आया हुआ है। सो असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 12 की सैलरी मिलेगी त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, जिसका बेसिक पे 42,900 रहेगा। तो 70,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होना किसी भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होना, एससीएसटी कैंडिडेट के लिए 45% लगेंगे। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ बंगाली या और कोई लोकल लैंग्वेज त्रिपुरा स्टेट की आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 साल एज लिमिट इसमें दिया गया है। उसके बाद क्लर्क की अगर मैं बात करूँ, लेवल 9 की सैलरी मिलेगी, 70,300 रुपए बेसिक पे होगा, सारे अलाउंसेस मिला के आपकी काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 45% मार्क्स होना, एससीएसटी कैंडिडेट को 40% लगेंगे, कंप्यूटर का नॉलेज होना, बंगाली लैंग्वेज आपको आना चाहिए या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 16,500 रुपए बेसिक पे होगा, इसमें भी आप मान सकते हैं कि 25 के आसपास आपकी सैलरी इसमें होगी पर मंथ। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग आना चाहिए बंगाली या एनी लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज एसेंशियल, मतलब त्रिपुरा स्टेट की कोई भी लोकल लैंग्वेज या अगर आपको बंगाली आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है। अदर फैसिलिटी जो है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिलेगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, एससीएसटी 5 साल तक यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन पीएच कैंडिडेट को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, सक्सेसफुल कम्प्लीट होने के बाद परमानेंट यहाँ पे आप हो जाओगे। नेटिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, वैलिड परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र में इसको डोमेसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी एससीएसटी कैंडिडेट के लिए 850 रुपए एप्लीकेशन फी है, बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फी है। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। असिस्टेंट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, अवेयरनेस ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का टाइम और मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का टाइम। टोटल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। क्लर्क की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क, 20 मिनट का आपको समय मिलेगा दोनों के लिए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 30 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का टाइम और मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का टाइम। टोटल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क 50 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें रीजनिंग नहीं है, तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है अगरतला में ही होगा ओनली। तो एग्जाम आईबीपीएस लेने वाला है, सेम टू सेम आईबीपीएस वाला ही यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो ये था इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जानकारी। अप्लाई लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईबीपीएस इसका एग्जाम लेने वाला है। सो वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना।